अगर JSLPS में फिर PRP और BAP अगर नहीं रहते हैं तो JSLPS चकनाचूर हो सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री से हमारा अपील है कि हम लोगों को फरियाद को सुने और हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा करें। कि हम लोग लास्ट जो है स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए राजभवन में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ सरकार और JSLPS के वरीय पदाधिकारी के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा ना हो जाए। आगे कहा कि महंगाई भत्ता के अनुसार वेतन में वृद्धि किया जाए, एक निश्चित समय पर वेतन दिया जाए तथा HR पॉलिसी से जोड़ा जाए। इन्होंने कहा कि मांगों को लेकर लगातार हमारे कैडर संघ के द्वारा डोर डोर ठोकरे खाते हुए मांग पत्र समर्पित करते रहे, किंतु अभी तक इस पर कोई सकारात्मक विचार नहीं किया गया है। जब तक हमारा मांग पूरा न हो जाए हम सब विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे और सोमवार को पूरे प्रदेश के PRP तथा VAP राज्य कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं आपका गिरिडीह जिला का डुमरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं PRP पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे झारखंड के 2400 जिलों में से जितने भी PRP IBP हैं टोटल हम लोग 1200 हैं और यहाँ हम लोगों का जो मूल मांग है, जैसे चार तरह का मांग सूत्री हम लोग का जो रखा गया। सबसे पहले हम लोग का जो मानदेय था पर्सनल खाता में आता था, उस चीज़ को जो है अभी हम लोग को इतना डिफ़िकल्ट कर दिया गया, उसको CLF खाते में वो चीज़ मिलने लगा, जिसके चलते हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और वो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को पर्सनल खाता में वो चीज़ करवा दे सरकार। और उसके अलावे दूसरा है कि अभी महंगाई को देखते हुए जिस तरह से ये महंगाई चल रहा है, और हम लोग 2014 से काम कार्यरत हैं इस विभाग में, JSLPS के विभाग में, तो उस समय से अभी महंगाई जिस स्तर पर बढ़ गया है देखा जाए तो उस स्थिति में हम लोग का एक पैसा भी अभी तक जो है बढ़ाया नहीं गया हमारे PRP VAP का मानदेय में। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग का एक मुश्त और सही टाइम पर हम लोग को मानदेय दिया जाए और एक संतोषजनक होना चाहिए, ताकि हम लोग का भरण पोषण अपने परिवार का हम ही सभी जो है 1200 परिवार जो जुड़े हुए हैं सभी लोग हम लोग कर सकें अच्छी तरह से। उसके बाद जो है हम लोग का जो है HR पॉलिसी का जो होता है वो HR पॉलिसी का ह्यूमन राइट्स जो होना चाहिए हम लोग का, वो चीज़ हम लोग का सही तरीके से लागू होना चाहिए, हम लोग को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये देखा जाए तो FTA स्टाफ लोग को हमारे विभाग में सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, और जबकि हम लोग PRP BAP मेन रीड जो होती है वो रीड है हम लोग JSLPS का। अगर देखा जाए तो मेन रीड जो है IPRP और BAP ही है। अगर JSLPS में फिर PRP और BAP अगर नहीं रहते हैं तो JSLPS चकनाचूर हो सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। ये विभागीय को भी कम से कम आंकना चाहिए कि हमारा बेसिक क्या है। अभी तक किसी से मिले आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे झारखंड में टोटल 81 विधानसभा है, इसमें से 81 विधानसभा के जितने भी MLA हैं सभी MLA को मांग पत्र सौंपा गया है। पहली बार सौंपा गया था, उसके बाद आश्वासन सभी के द्वारा जो दिया गया, आश्वासन देने के बाद देखे कि हम लोगों के लिए कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है। उसके बाद पुनः फिर हम लोग दोबारा जो है हम लोग मांग पत्र सौंपने का काम किए हैं, मंत्री लोगों के पास भी हम लोगों ने जो है अपना मांग पत्र को सौंपा। उसके बाद भी देखे हैं कि हम लोग को बार बार जो है आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे 2400 जिला के जो भी PRP BAP हैं संघ के द्वारा हम लोग का एक निर्णय लिया गया अंतिम कि हम लोग लास्ट जो है स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए राजभवन में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और करेंगे जब तक हम लोग का मांग ये चार सूत्री मांग जो है पूरा नहीं हो जाता है। आज हम लोग राजभवन में चार सूत्री मांग को लेकर के यहाँ धरना कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला मांग है कि आज तक 2014 से लेकर हम लोग कार्यरत जितने भी IPRP BAP हैं आज तक हम लोगों की मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है और हम लोगों को CBS से रद्द कर दिया गया है। एक मुफ्त खाता हम लोगों को खाते में पेमेंट नहीं दिया जाता है। मानदेय जो हम लोगों को भुगतान होता है वो 26 दिन का ही होता है, जो हम लोगों को डेली बेसिस में रखा जाता है। जितने दिन का हम लोग कार्य करते हैं उतना ही मानदेय दिया जाता है, और जब काम नहीं करते हैं तो हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाता है।
जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। पिछले 3 माह पहले हम लोग और धरना दिए हुए थे अपना राज्य कार्यालय के समक्ष में, जिस पे अभी तक हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हमारे जो हमारे अधिकारी हैं JSLPS के द्वारा, वो उन लोगों ने अभी तक हम लोगों को कोई भी चीज़ों के लिए हम लोगों को आश्वासन भी नहीं दिए हुए हैं, जिसके लिए मजबूरन हम लोगों को आज यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा है। उम्मीद था कि हम लोगों को जो मांग है, हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर के जो रखे हुए हैं, वो हमारे स्टेट टीम, हमारे सहयोगी सुनेंगे और हम लोगों को मदद करेंगे कि हम लोगों को देंगे कि हमारे मानदेय जो है उसमें वृद्धि करके और हमारे खाते में देंगे। हमारे मुख्यमंत्री से हमारा अपील है कि हम लोगों की कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे जो 1200 परिवार आज जुड़े हुए हैं, जो उन लोगों का, हम लोगों को फरियाद को सुने और हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।